हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम ऐसे एक्ट्रेस की बात करेंगे जो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज भी फैंस जो है उनके निधन का गम जो है अभी भी लोगों को सता रहा है। अभी भी लोग जो है उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सिर्फ 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। अब आपको बताएं, 14 जून 2020 को उनका जो शव है वो उनके बेडरूम के पंखे से लटका हुआ मिला था। उसके बाद से तमाम जांच एजेंसियां आई इस मामले में। अब तक कुछ भी इस मामले में जो है पता नहीं चला है कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई या फिर उन कुछ और मामला है। तो तमाम जो उनके फैंस हैं वो लगातार जो है सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वो ये सच जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से कुछ दिन पहले ही 29 अप्रैल को 2020 में इरफान खान के निधन की खबर आई थी। जी हाँ, वो जो है एक ब्रेन में एक तरह के कैंसर की बीमारी से वो ग्रसित थे। लंबे समय तक उनका जो है लंदन में इलाज चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो गए, लेकिन दोबारा वो फिर इस बीमारी की चपेट में आ गए। उनको इन्फेक्शन हो गया, अस्पताल में वो भर्ती थे। और 29 अप्रैल को एक खबर आई कि इरफान खान नहीं रहे। इरफान जो है सिर्फ 53 ईयर्स के थे। वो अपने पीछे जो है 2 बेटे और अपनी वाइफ सुतपा को छोड़ गए हैं। 70 और 80 के दशक में मशहूर एक्टर हुआ करते थे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा का निधन भी बहुत कम उम्र में हो गया, जब वो सिर्फ 45 साल के थे और हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। जब उनका निधन हुआ उनके बच्चे बहुत छोटे थे और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, उनके तमाम फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था उनका जाना। और 45 साल की उम्र में उनके निधन से जो है उन पूरे बॉलीवुड में कह सकते हैं कि शोक की लहर छा गई थी। संजीव कुमार जो कि फिल्मों में अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा के कैरेक्टर्स निभाते थे और कई बार वो अपने से बराबर की एक्ट्रेसेस के पिता का रोल करते थे, बराबर के एक्टर्स का के पिता का बन जाते थे। संजीव कुमार का निधन भी बहुत कम उम्र में हुआ। उन्होंने 50 साल की उम्र भी नहीं पार की थी। आपको बताएं कि संजीव कुमार की फैमिली में एक ये भ्रम था कि जो लोग भी उनकी फैमिली में कोई भी 50 साल की उम्र से ज़्यादा जो है नहीं जी पाता। और इसी वजह से कहा जाता है कि संजीव कुमार शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हुआ था। सुलोचना पंडित एक एक्ट्रेस थी, उनसे भी उनका रिश्ता रहा, लेकिन कभी भी संजीव कुमार ने शादी नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि उनके परिवार में किसी भी पुरुष की आयु जो है 50 साल से ज़्यादा नहीं रही और वो भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं संजीव कुमार का ये डर सच हुआ और 48 साल की उम्र में उन्हें जो है 1985 में हार्ट अटैक हुआ और फिर वो जो है उनका निधन हो गया। ऐसे ही एक एक्टर इंद्र कुमार थे जो रात में सोए और सुबह जो है वो जाग नहीं सके। 2017 में एक खबर आई थी कि 43 इयर्स के इंद्र कुमार जो है हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। इंद्र कुमार ने मासूम जैसी फिल्म में काम किया था। सलमान खान के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। बॉलीवुड में बतौर एक्टर वो बतौर हीरो लॉन्च हुए थे, लेकिन उनका करियर कुछ खास चला नहीं। इसके बाद जो है इंद्र कुमार को बॉलीवुड में फिल्में नहीं मिल रही थी, वो डिप्रेशन के शिकार रहे। लंबे समय तक ईशा कोप्पिकर के साथ अपने फेयर की वजह से भी इंद्र कुमार चर्चा में रहे, लेकिन अचानक एक दिन उनका रात में वो सोए और सुबह वो जाग नहीं सके। वो सोते सोते उनको हार्ट अटैक हो गया। इंद्र कुमार का जब निधन हुआ उस दौरान उनकी बेटी जो है बहुत छोटी थी और उनकी पत्नी जो है दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। इस तरह बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत कम उम्र में चले गए और उनमें से एक नाम गुरुदत्त का भी है। गुरुदत्त का निधन जो है सिर्फ 39 ईयर्स की एज में हो गया। गुरुदत्त जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया या फिर उन्होंने ज़्यादा शराब पी ली इसकी वजह से उनका निधन हो गया या फिर वो अपने आप रात में सोए और सुबह उठ नहीं सके, तमाम बातें। कहा जाता है कि गुरुदत्त का जब निधन हुआ तब उनकी पत्नी गीता दत्त से उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं था। गीता दत्त जो है घर छोड़कर चली गई थी बच्चों समेत। दूसरी तरफ वहीदा रहमान के साथ उनका रिश्ता था जो कि उनकी फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी। उस दौरान वो बहुत मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और सिर्फ 39 ईयर्स की एज में 10 अक्टूबर की रात को वो सोए। सुबह जब उनके होटल का कमरा जब खोला गया तो उनकी जो है वहां पे लाश मिली। गुरुदत्त के निधन का जो सच है वो अब तक सामने नहीं आया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी या फिर ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो अपने आप मौत की आगोश में आ गए। इस बारे में अब तक कुछ भी बहुत क्लियर नहीं हुआ, लेकिन गुरुदत्त का निधन जो है अभी भी बहुत
रहस्यमय माना जाता है। बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स हैं, या पिछले 1-1.5 साल में बहुत से एक्टर्स ने खुदकुशी की बातें सामने आई, बहुत सारे एक्टर्स जो है कम उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी, कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा था, कुछ लोग अपनी फैमिली लाइफ से परेशान थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं जिसमें एक्टर्स की जो है बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।